कोराड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए की आवास पर गणपति बापा की विधिवत स्थापना की गई। इस मौके पर उनकी पत्नी ज्योति बावनकुए और परिवार मौजूद था। इस मौके पर बावनकुए ने कहा कि आज पूरे देश के लोगों के लिए खुशी का दिन है। गणराया को प्रतिस्थापित किया गया है। गणराया समुदाय की एकता, देशभक्ति और इस महाराष्ट्र को मजबूत करने की गौरवशाली परम्परा है। गणराया के आगमन से आनंद आया है। बावनकुले ने आगे बोलते हुए कहा कि आज मैं गणराज से प्रार्थना करता हूँ कि महाराष्ट्र के किसानों, खेत मजदूरों, हमारी बहनों, हमारे युवाओं को ताकत मिले और आने वाले समय में महाराष्ट्र के लोग खुश और समृद्ध रहे। साथ ही गणराज के चरणों में प्रार्थना है कि सभी का जीवन मंगलमय हो। साथ ही जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ किसान संकट भी होता है, इसलिए ये भी प्रार्थना की गई है कि उन किसानों को भी ताकत मिले। आज संपूर्ण देशातल्या, जगातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या हिंदू बांधवा करता आणि गणरायाची पूजा करणाऱ्या सर्व समाजाकरता आनंदाचा दिवस आहे की आज गणराय प्रतिष्ठापित झाले। महाराष्ट्राची ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा आहे। गणरायाचं जे आगमन आहे, समाजाची एकता, राष्ट्रभक्ती आणि या महाराष्ट्राला मजबूत करणारी गौरवशाली परंपरा आहे। गणरायाच्या आगमनाने जो आनंद आज झाला आहे, या आनंदामध्ये मी गणरायाला प्रार्थना करतो की महाराष्ट्रातला शेतकरी, शेतमजूर, आमच्या बहिणी, आमचे युवा यांना मजबूती मिळो आणि येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रातील जनता सुखी संपन्न राहो। या 13 कोटीच्या महाराष्ट्रामध्ये कुठेही अमंगल घटना घडू नये, सर्वांना मंगलमय जीवन राहावं अशी प्रार्थना मी गणरायाच्यांनी केली आहे। ज्या ठिकाणी दुष्काळाचं खूप सावट आहे, शेतकरी अडचणीत आहे, त्या शेतकऱ्यांनाही मजबूती मिळाली पाहिजे याकरताही आम्ही गणरायाला प्रार्थना केली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, NBC News।